हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 9.90 रुपये। दैनिक स्टॉक की अगर हम आज की बात करते हैं, 0.22% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक जैसे कि मैंने बताया फूड्स, तो इन सब कंपनी जो है इन सब का काम करती है, फूड्स प्रोडक्ट्स इसके रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वनस्पति राइस वगैरह रहते हैं, अदर प्रोडक्ट्स भी इसके रहते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाकी अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा NSE BSE इन दोनों में कंपनी लिस्टेड है। अगर हम बात करते हैं तो पैनी स्टॉक है 890 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की बावन मिखाई की बात करते हैं तो 15.70 रुपये है। बावन मिखलो की बात करते हैं 3.68 रुपये। स्टॉक की पी की बात करते हैं तो 53.1 निकल के आती है। बुक वैल्यू 2.58 रुपये। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROCE की बात करती है तो 11.7% निकल के आती है। देन फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपये देखने को मिल जाती है। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो हालांकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था, 14-15 रुपये तक का हाई लगाया। अभी स्टॉक में गिरावट हो रही है। देन अगर हम देखते हैं तो ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट के उसमें देखने को मिल सकता है। देखिए सेम लेवल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन है। 9-10 रुपये कह रहा हूँ, 8.5-9 रुपये के। अगर 3S का चार्ट पैटर्न देखते हैं तब भी आपको सेम लेवल जो मैंने बताया वही चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ से स्टॉक में मूव मिल सकता है। सेम 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न भी यही बता रहा है। तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो सेम इस लेवल पे स्टॉक आ सकता है, 4-4 रुपये कह रहा हूँ, तो आपको वेट करना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अप्रोच की, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स कंपनी यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ठीक ठाक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयर बाई ईयर बेसिस में, जिसमें कि सेल्स कंपनी की इंक्रीज हो रहे हैं, OPM भी इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीज या रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, इंक्रीज हो रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्व कंपनी का ठीक ठाक है, कर्जा कंपनी का थोड़ा कम हुआ है एंड टोटल एसेट कंपनी के यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा है। नेट कैश फ्लो कंपनी का कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हो 54.91%। बाकी FII इसमें 1% के आसपास इन्वेस्टेड थे 2024 में ही, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। एंड अगर हम बात करते हैं पब्लिक की तो 45%। देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 14 रुपये तक ओबियसली जा सकता है। शायद कन्फर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ से स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर गिरावट भी होती है तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी करेक्शन आई है और ये लेवल आपको देखने को इसलिए मिला है, गिरावट इसलिए देखने को मिली है क्योंकि FII इसको से जा चुके हैं। सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है या काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज भी रह सकता है। तो स्टॉक नॉर्मली ठीक ठाक है, इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाया जा सकता है। बाकी ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो अगर आप बाई करते हो तो एक बार अपनी रिसर्च चैनल से जरूर कर लेना, पर इसमें ज़्यादा पैसा नहीं डालना। पैनी स्टॉक है, रिस्की है, कर्जा है स्टॉक के ऊपर, तो एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।